हेलो स्टूडेंट्स, आरसी एजुकेशन हबानसू की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। देखिए बच्चों, आज हमारा नया पाठ शुरू हो रहा है जिसका शीर्षक है स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन, जिसके रचनाकार हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी। देखिए इस रचना का क्या अर्थ है, स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन, अर्थात समाज में कुछ ऐसे सुसभ्य नागरिक है, समाज में ऐसे सुशिक्षित नागरिक है जो पढ़े लिखे होने के बाद भी स्त्री शिक्षा के विरोधी हैं, अर्थात स्त्री शिक्षा के विरुद्ध में, स्त्री शिक्षा के खिलाफ बुरे बुरे तर्क कुतर्क ठीक है प्रकट करते हैं। उन सभी कुतर्कों का, बुरे विचारों का महावीर प्रसाद द्विवेदी ने क्या किया है, खंडन किया है। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले आप अपनी किताब निकालिए जिसका पेज नंबर है 60। बेटा नई और पुरानी किताब में पेज नंबर आगे पीछे हो सकता है। तो आज हम पढ़ेंगे सबसे पहले महावीर प्रसाद द्विवेदी का जीवन परिचय। देखिए महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म हुआ था 1864 ईस्वी में, ठीक है। कहाँ हुआ था, उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले के दौलतपुर ग्राम में। इनके पिता पंडित राम सहाय दुबे एक कान्यकुब्ज ब्राह्मण थे। देखिए कान्यकुब्ज ब्राह्मण क्या होते हैं, श्रृंगेरीपुर से लेकर अयोध्या में है स्थान, श्रृंगेरीपुर से दालभ्य ऋषि के आश्रम तक जो स्थान आता है, जो क्षेत्र आता है, ठीक है, उसको कहते हैं कान्यकुब्ज। और उस क्षेत्र में जो ब्राह्मण रहते थे उनको कान्यकुब्ज ब्राह्मण कहा गया है। तो बेटा पारिवारिक आर्थिक स्थिति द्विवेदी जी की अच्छी नहीं थी, तो इन्होंने स्कूली शिक्षा प्राप्त की और स्कूली शिक्षा के बाद इन्होंने रेलवे में क्या की थी, नौकरी की थी। लेकिन स्वाभिमानी सत्ता के धनी थे, स्वाभिमानी स्वभाव के धनी थे, इनमें देश प्रेम की भावना कूट कूट कर भरी हुई थी। तो द्विवेदी जी ने कुछ समय पश्चात नौकरी से इस्तीफा ले लिया, ठीक है, और सन 1903 से लेकर 1920 तक सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन किया, अर्थात सरस्वती पत्रिका के संपादन में जुड़ गई। सन 1938 ईस्वी में महावीर प्रसाद द्विवेदी का क्या हो गया, निधन हो गया। अब आगे हमें आपको बताने जा रहे हैं कि महावीर प्रसाद द्विवेदी प्रखर व्यक्तित्व के क्या थे, धनी थे, अर्थात बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। देखिए प्रखर व्यक्तित्व का धनी और बहुमुखी प्रतिभा का धनी कौन होता है या किसे कहा जाता है, कोई भी कवि, कोई भी लेखक एक कवि होने के साथ साथ समालोचक भी हो, निबंधकार भी हो, कहानीकार भी हो, संपादक भी हो, भाषा वैज्ञानिक भी हो, ठीक है, अनेक रचनाओं का संपादन करने वाला हो, अर्थात तो उसमें बहुत सी एक खूबियाँ होती है, बहुत सी योग्यता होती है, तो उसे कहा जाता है प्रखर व्यक्तित्व या बहुमुखी प्रतिभा का धनी। तो इसी प्रकार से महावीर प्रसाद द्विवेदी प्रखर व्यक्तित्व एवं बहुमुखी प्रतिभा के क्या थे, धनी थे। जैसे द्विवेदी जी कवि भी रहे हैं, समालोचक भी रहे हैं, निबंधकार भी रहे हैं, संपादक, भाषा वैज्ञानिक, इतिहासकार, अर्थशास्त्री आदि विविध रूपों में उभर कर सामने आए हैं। अब आगे आपको बताने जा रहे हैं, इसमें ही जीवन परिचय चल रहा है कंटिन्यू। आपने यानी द्विवेदी जी ने 1903 से लेकर 1920 तक सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन किया। इसके साथ ही हिंदी व्याकरण एवं वर्तनी के नियम भी स्थिर किए, ठीक है, इसके साथ हिंदी गद्य की जो भाषा थी उसका परिष्कार किया। परिष्कार शब्द का अर्थ होता है सुधार करना। हो सकता है उस समय कुछ त्रुटियां रही हो, कुछ कमियां रही हो, तो द्विवेदी जी ने अथक प्रयास कर हिंदी भाषा को सुदृढ़ बनाया और परिष्कृत बनाया। द्विवेदी जी ने अपने समकालीन कवियों, समकालीन का मतलब उस समय जो भी कवि हुए हैं, जो भी लेखक हुए हैं, उनको समकालीन कवि और लेखक कहा जाता है। द्विवेदी जी ने अपने समकालीन कवियों एवं लेखकों का साहित्य रचना में क्या किया, मार्गदर्शन किया, ठीक है, उनको बहुत कुछ समझाया, आगे का रास्ता दिखाया। इसी कारण आधुनिक हिंदी साहित्य के द्वितीय उत्थान को सुधार काल के नाम से जाना जाता है, को महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर द्विवेदी युग भी कहा जाता है। इनके प्रयासों से ही खड़ी बोली जो काव्य की भाषा थी वो प्रतिष्ठित हुई। अक्सर हम पढ़ते हैं कविताओं में, इसमें इस कविता में, अमुक कविता में भाषा कौन सी है, कुछ एक कविताओं में ब्रज होती है, अवधी होती है, ठीक है, उर्दू भी होती है,
और लगभग कविताओं में खड़ी बोली हिंदी, तो इसी रूप में इनके अनेक प्रयासों से खड़ी बोली काव्य के रूप में प्रतिष्ठित हुई या उन्होंने भाषा ने स्थान प्राप्त किया। द्विवेदी जी ने भारतीय जातीय परंपरा का समालोचनात्मक दृष्टि से गहरा क्या किया है, अध्ययन भी किया है और प्रासंगिक विवेक सम्मत विवेक के आधार पर परंपराओं का समर्थन कर रूढ़ियों का विरोध किया। सबसे मेन बात यही है कि द्विवेदी जी ने उस समय समाज में कौन कौन से अंधविश्वास थे, किंवदंतियां थी या फिर रूढ़िवादी विचारधाराएं थी, उनका कड़ा विरोध किया है। इनके लेखन में सरलता है, सुबोधता है और परिनिष्ठता के गुण झलकते हैं। बेटा ये यहाँ से एक प्रश्न बनता है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी के लेखन की क्या विशेषता है, ये आपको लिखना पड़ेगा उत्तर के रूप में। इसके बाद है रचनाएं। देखिए रचनाओं को दो भागों में बांटा है, नंबर एक मौलिक रचनाएं और नंबर दो अनुदित रचनाएं। हम भी इसी प्रकार से लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मौलिक रचनाओं में जैसे काव्य मंजूषा है, सुमन है, अबला आलाप है, कानिकुब्ज है, कविता कलाप है, अद्भुत आलाप है, संपत्ति शास्त्र है, महिला मोद है, रसज्ञ रंजन है, साहित्य सीकर, ये गद्य भाग में है। देखिए महिला मोद नाम आया था अभी अभी। महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा जो रचना रची है स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन, ये पहली बार इसका पहले नाम था पढ़े लिखों का पांडित्य, जो सितंबर 1914 में प्रकाशित हुई थी और ये किससे ली गई है, महिला मोद संग्रह से ली गई है। अनुदित रचनाओं के अंतर्गत आता है विनय विनोद, स्नेमाला, ऋतु तरंगनी, ये गद पद है, भामिनी विलास है, रघुवंश है, वेणी संहार है, इसके साथ ही बेकन विचार रत्नावली है और स्वाधीनता, ये गद है। तो ये हमने महावीर प्रसाद द्विवेदी का जीवन परिचय पढ़ा। अंत में इसकी मृत्यु आप लिख सकते हैं कि 1938 ईस्वी में इनकी क्या हुई है मृत्यु। इसके बाद हम परीक्षा में किस प्रकार से इसको जीवन महावीर किसी भी लेखक का किसी भी कवि का हम जीवन परिचय किस प्रकार से तैयार करेंगे। देखिए और पाठों में भी आपको बताया था और कविताओं में भी आपको बताया था कि क्योंकि प्रत्येक कवि और लेखक का हम जीवन परिचय पढ़ते आए हैं तो हम यहाँ जीवन परिचय किस प्रकार से तैयार करेंगे आपको ध्यान से देखना है। सबसे पहले आपको पहला बिंदु लिखना है जन्म का, ठीक है, कि किसी भी कवि या किसी भी लेखक का जैसे महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ। उसके बाद जन्म स्थान आता है, तत्पश्चात आता है काव्य प्रमुख रचनाएं, काव्य विशेषताएं और मृत्यु। तो हम सबसे पहले लिख रहे हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी का जीवन परिचय, ये हमारी हेडिंग होगी, इसको हम बाकायदा रेखांकित करेंगे। महावीर प्रसाद हम आचार्य लिख सकते हैं, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का जीवन परिचय, इसको हम रेखांकित करेंगे। इसका मतलब है कि आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का जीवन परिचय यहां से शुरू हो गया है। सबसे पहला बिंदु आता है जन्म, कि महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ। देखिए आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म 1864 ईस्वी में हुआ। इसके बाद दूसरा बिंदु हमारा आता है जन्म स्थान, द्विवेदी जी का जन्म उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले के दौलतपुर ग्राम में हुआ। इनके पिता
सहाय। दुबे एक कान कूद ब्राह्मण थे। देखिए इसमें हमने आपको बता दिया है कि इनका जो जीवन है वो बड़ा ही संघर्षमय रहा है। इन्होंने स्कूली शिक्षा प्राप्त की जैसे तैसे करके, उसके बाद रेलवे में नौकरी की। स्वाधीनता की भावना होने के बाद रेलवे से जो इस्तीफा ले लिया और लेखन कार्य में जुड़ गई। प्रमुख रचनाएं जैसे सुमन है, अबला अलाप, कान्य कुब्ज, ऋतु तरंगनी, महिला मोद, रसज्ञ रंजन, आदि। नेक्स्ट पॉइंट आता है कालगत विशेषताएं। देखिए कालगत विशेषताएं में हम लिखेंगे कि काव्य में जो विशेषताएं दिखाई देती है कि इन्होंने अपने काव्य में किसका बखान किया है भाषा के साथ, वो काव्य विशेषताएं होती है। आचार्य महावीर प्रसाद वेदी की भाषा सरल, सुबोध एवं प्रभावपूर्ण है। इन्होंने अपनी रचनाओं में प्राचीन समय या प्राचीन काल में प्रचलित रूढ़िवादी परंपराओं के विरुद्ध आवाज के विरुद्ध आवाज उठाई है, अर्थात प्राचीन परंपराओं का खंडन किया है। यहां तक हमारी काव्य की विशेषता हो गई है। लास्ट बिंदु है मृत्यु। मृत्यु हुई 1938 ईस्वी में आचार्य वेदी जी की। मृत्यु 1938 ईस्वी में हुई। तो बच्चों इस प्रकार से हमने महावीर प्रसाद वेदी का जीवन परिचय पढ़ा है। इसमें एक बार फिर से आपको बता देते हैं कि महावीर प्रसाद वेदी जी का जन्म हुआ था 1964 ईस्वी में। इनका जन्म हुआ उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले के दौलतपुर ग्राम में।
इनके पिता पंडित राम सहाय दुबे कांडिकुब्ज ब्राह्मण थे। कांडिकुब्ज ब्राह्मण वे ब्राह्मण होते हैं यानी अयोध्या के श्रृंगवेरीपुर ऋषि के श्रृंगवेरीपुर से लेकर दालब ऋषि के आश्रम तक का जो क्षेत्र है वो कांडिकुब्ज क्षेत्र के अंतर्गत आता है और उस क्षेत्र में जो ब्राह्मण रहते हैं उन्हें कांडिकुब्ज ब्राह्मण कहा जाता है। पारिवारिक आर्थिक जो स्थिति थी वो अच्छी नहीं थी। स्कूली शिक्षा जैसे तैसे करके उन्होंने पूर्ण की। उसके बाद जीविकोपार्जन के लिए जीवन चलाने के लिए रेलवे में नौकरी की, लेकिन स्वाभिमानी स्वभाव के धनी थे, देश प्रेम की भावना देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत थे और कुछ समय पश्चात ही द्विवेदी जी ने रेलवे से इस्तीफा दे दिया। उसके बाद 1903 से लेकर 1920 तक इन्होंने सरस्वती पत्रिका का क्या किया, प्रकाशन। इन्हें द्विवेदी जी बहुमुखी प्रतिभा के और प्रखर व्यक्तित्व के धनी भी माने जाते हैं, जैसे कि आपको पूर्व में बताया जा चुका है। आपको अंत की ओर ले जाते हैं, सब कुछ आपको बता दिया अच्छे से, ठीक है। 1938 ईस्वी में इनकी क्या हुई, मृत्यु हुई। बेटा आज के लिए इतना ही काफ़ी है। पाठ परिचय यानी पाठ में क्या कहा गया है वो आपको अगली क्लास में बताएंगे।